पासिगा तेरिया में जितना क्रिश्चियन सर जलाया था के राजा का और आपांग साहब का शुरुआत में, तो सारा कांग्रेस सरकार ही था। बीजेपी सरकार आने के बाद कोई क्रिश्चियन सर नहीं जलाया, वो कांग्रेस ने ही जलाया था अरुणाचल प्रदेश। और मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को मैं पूछना चाहता हूँ, आपका इस 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप सभी के सामने में, लास्ट टाइम जो पेमा और सोनामेन साहब का सरकार में 18 क्रिश्चियन एमएलए मिनिस्टर था पेमा खांडू सरकार में, उस समय क्यों नहीं बोला ये लोग क्रिश्चियन है बीजेपी से इन लोग को हटा दो। आज का दिन में सुन लो 16 क्रिश्चियन लीडरों को बीजेपी ने टिकट दिया, तो अभी उसको हटाओ ना, अगर बीजेपी क्रिश्चियन का विरोध है तो आज भी सुन लो जीत के आएगा हमारा क्रिश्चियन कैंडिडेट। क्रिश्चियन हमारा बीजेपी को नहीं कांग्रेस को ही देना है, ऐसे सर्कुलर निकलना बहुत बड़ा गलत है। ऐसे हो के आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बोल के ईटानगर से एक सर्कुलर निकलता है कि कांग्रेस को ही एमपी में वोट दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस थूका इन लोग को, क्योंकि धर्म एंड राजनीति को नहीं मिला सकता है। जब धर्म एंड राजनीति को मिलाएंगे, कांग्रेस ने सदियों से धर्म एंड राजनीति को मिलाते मिलाते हिंदू को भड़काता है, मुस्लिम को भड़काता है, हिंदू मुस्लिम इतना मारपीट कताकाती देश भर में होने देता था। आज मोदी जी का 10 साल में कहीं हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा नहीं, मुस्लिम भी इतना खुशी है और क्रिश्चियन भी इतना खुशी है। जब नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में जाके पोप के साथ काना खाता है, गले मिल के पोतू खींचता है, वो पोतू को कभी टीवी में आप लोग को दिखाएगा ही नहीं। सबसे आर्च बिशप केरला में रहता है हिंदुस्तान का, नरेंद्र मोदी का साथ लॉन्च करता है, ओ पोतू एक ही बार दिखाया, ओ दुनिया में दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन से दुश्मनी करवाने के लिए, मुस्लिम से करवाने के लिए, दूसरा धर्म से करवाने के लिए ये कांग्रेस हमेशा लगा रहता है। आज मुस्लिम बहनें इतना खुशी है, नरेंद्र मोदी अगर मुस्लिम का अगेंस्ट में होता तो त्रिपुर तलाक कैसे आता था। मुस्लिम समाज में एक नियम है, बीबी सुबह साय लेके आता है, सिनी ज्यादा हो गया, गुस्सा से तलाक तलाक तलाक, उसी वक्त वो बीबी बेडिंग बिस्तर बांध के उसका पति का घर से निकलता है। दूसरा शादी करना भी है, गुस्सा होके 3 तलाक बोलेगा, तो ऐसे नियम था। कितना मुस्लिम माँ बहन बेटियों का जिंदगी हराम करके अपना समाज में मुस्लिम ने करके रखा था। आज नरेंद्र मोदी ने त्रिपुर तलाक को हटा दिया, लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाएं बहनें बेटियां आज नरेंद्र मोदी को पूजा कर रहा है। ऐसे है ये नरेंद्र मोदी, पार्लियामेंट में रिविया साहब और हम लोगों को जब एमपीस को नरेंद्र मोदी मीटिंग लेता है, बीजेपी एमपी सांस में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारा में जाना है, मंदिर में जाना है, बीजेपी से क्यों दूर है इन लोग, हम बीजेपी इसको रिश्ता बनाना है, वोट के लिए नहीं समाज में अच्छा के लिए करना है बोल के जो आदमी नरेंद्र मोदी हम लोग को एमपीयूस को जो बोलता है, ये कैसे क्रिश्चियन का विरोध होगा, ये कैसे मुस्लिम का विरोध होगा। इसलिए ये सब बात में आप लोग विश्वास नहीं करना, राजनीति और धर्म को दूर रख के हम लोग को समाज में अच्छा के लिए करना है। और मैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को मैं पूछना चाहता हूँ, आपका इस 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप सभी के सामने में, लास्ट टाइम जब पेमा और सोनामेन साहब का सरकार में 18 क्रिश्चियन एमएलए मिनिस्टर था पेमा खांडू सरकार में,
उस समय क्यों नहीं बोला ये लोग क्रिश्चियन है बीजेपी से, इन लोग को हटा दो। आज का दिन में सुन लो 16 क्रिश्चियन लीडरों को बीजेपी ने टिकट दिया, तो अभी उसको हटाओ ना। अगर बीजेपी क्रिश्चियन का विरुद्ध है तो आज भी सुन लो का सुन लो, जीत के आएगा हमारा क्रिश्चियन कैंडिडेट। ये भारतीय जनता पार्टी है, धर्म को पूछता नहीं है। आप देश प्रेमी है, आप बीजेपी कार्यकर्ता है, आप समाज सेवक है, उसी के आधार पे बीजेपी टिकट देता है। और गांव में रहने वाला लोगों से माइंड कंफ्यूज करने के लिए क्रिश्चियन हमारा बीजेपी को नहीं कांग्रेस को ही देना है, ऐसे सर्कुलर निकलना बहुत बड़ा गलत है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को 100 नोटिस थूका है। आज कहीं भी हम लोग धर्म को लेके कोई गंडगोल नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर अरुणाचल का इतिहास में आप जाइए, पासीघाट एरिया में जितना क्रिश्चियन साहब जलाया था के राजा का और आपांग साहब का शुरुआत में, तो सारा कांग्रेस सरकार ही था। बीजेपी सरकार आने के बाद कोई क्रिश्चियन सांस नहीं जलाया, वो कांग्रेस ने ही जलाया था अरुणाचल प्रदेश। इसका इतिहास भूलना नहीं है। अगर इस रिलीजन में अगर आप अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जाता है तो इसलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन लोग को भी माफ करता है। माफ इसलिए करता है, हार तय है तब जाके भगवान को याद करता है आदमी, तो इसलिए इन लोग को माफ कर दिया, क्योंकि जीत पक्का है भारतीय जनता पार्टी का। और तिरप पे वांगकी लुवांग से वांगली लुवांग दोंग कामरांग टेसिया सकार मैडम, ये सारू का सारू आप जिता के भेजिए। डिसीजन साहब बाद में बताएगा आप लोग को क्या डेवलपमेंट देंगे।